बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी के ऊपर। उसके हम कुछ 5 एक्सियम्स हैं जिनको डिस्कस करेंगे। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में आई होप सो कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। सो उसके 5 जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, एक्सियम्स जिनको आप कह लें, वो ये हैं। इंक्वायरी हैव इट्स ओन वैल्यू, इट फोकस ऑन रिसर्च। इंक्वायरर की कुछ अपनी वैल्यूज होती हैं, ठीक है, जिसको वो लेके चल रहा होता है और वो फोकस करता है उनको रिसर्च के अंदर। अब वो प्रॉब्लमेटिक भी हो सकती हैं, इवेल्युएटिंग भी हो सकती हैं और पॉलिसी भी हो सकती हैं। यानी कि अगर मैं आपको इसकी एग्जाम्पल दूँ कि अगर आप कोई भी रिसर्च का टॉपिक चूज कर रहे हैं, वो आपको एक प्रॉब्लम होगी, ठीक है, या आप उसको इवेलुएट करना चाह रहे हैं किसी चीज को, या उसको आप पॉलिसी बनाना चाह रहे हैं, तब उसके ऊपर आप रिसर्च कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है कि उसको जो उसकी बुक्स हैं वो सिर्फ थोरेटिकल है, उसमें कोई पिक्चर, कोई ग्राफिकल डिजाइन कुछ भी नहीं है, तो उसका प्रॉब्लम है। वो चाहता है कि एक ऐसी बुक बनाई जाए जिसके अंदर पिक्चर्स भी हों, जो स्टडी की जाए, या कुछ उसकी वीडियो फॉर्म हो। तो वो इसके पर अब उसकी कुछ वैल्यूज हैं, उसके माइंड में कुछ चीजें हैं जिसको वो फोकस कर रहा है अपने रिसर्च के अंदर। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, उसके मुताबिक वो टॉपिक सेलेक्ट करेगा अपना। इंक्वायरी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द चॉइस ऑफ पैराडाइम दैट गाइड्स द इन्वेस्टिगेशन इनटू द प्रॉब्लम। अब इसमें क्या करेगा, इंक्वायरी जो है इन्फ्लुएंस करती है आपकी पैराडाइम चॉइस पे। अगर तो आपके पास फ्री टाइम है, आपके पास इंक्वायरी फ्री है, वेस्ट वैल्यू बाउंड नहीं है, तो आप चलेंगे पॉजिटिविस्टिक पैराडाइम के ऊपर, और पॉजिटिविस्टिक पैराडाइम पे चलते हुए आप इन्वेस्टिगेट करेंगे अपने प्रॉब्लम को। अब जैसे मैंने आपकी बुक की एग्जांपल दी, अब बुक्स जो हैं वो विद इन पैसेज ऑफ टाइम चेंज होती हैं, अब्रप्टली इसमें चेंजिंग नहीं आती है। तो उसके पास टाइम भी फ्री है, उसके पास इंक्वायरी भी फ्री है, तो वो इजीली क्या करेगा, उसको चेंज कर लेगा अपनी चॉइस का पैराडाइम सेलेक्ट कर लिया कि मेरे पास टाइम भी फ्री है और इंक्वायरी भी फ्री है, इसलिए पॉजिटिविस्टिक पैराडाइम मेरे लिए बेस्ट चॉइस है। अब चलते हैं, इंक्वायरी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द चॉइस ऑफ सब्सटेंसिव थ्योरी यूटिलाइज्ड टू गाइड द कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा। अब वो जो इंक्वायरी कर रहा है उसमें कुछ और भी चीजें इन्वॉल्व हो जाएंगी, थ्योरी इन्वॉल्व हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर कुछ डिफरेंट तरह की थ्योरी, या इंट्रिंसिक मोटिवेशन की आप बात करें, उसमें हम सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी को जो है उसको एक बेस बना के अपने कलेक्शन डाटा की कर रहे हैं, और उसी के मुताबिक हम अपने डाटा को एनालाइज करेंगे। किसके मुताबिक, अगर इंट्रिंसिक मोटिवेशन है उसके पीछे हमारे पास सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी होगी, और उसको हम यूज करते हुए अपने डाटा की कलेक्शन करेंगे और उसके डाटा एनालाइज करेंगे। अब ये चीज हो गई, ठीक है, 3 चीजें हमारी कंप्लीट हो गई। इंक्वायरी इन्फ्लुएंस्ड बाय द वैल्यू दैट इनहेयर इन द कॉन्टेक्स्ट। अब इंक्वायरी जो है हमारी इन्फ्लुएंस करती है हमारी वैल्यूज के ऊपर। अब उसने अपनी वैल्यूज, कुछ अगर ऐसी पिक्चर्स हैं फुल बॉडी की, अगर आप मुस्लिम ओरिजन में हैं, वो मेल और फीमेल की आप उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं डाल सकते हैं, ठीक है, तो आपकी जो वैल्यू है वो बाउंड हो गई, ये चेंज आ गया, तो आपका पैराडाइम चेंज होकर नेचुरलिस्टिक पे चला गया। तो आपने क्या करना है, वो चीजें अडॉप्ट करनी है जो आपके पैराडाइम को सपोर्ट करती हो, जो आपकी वो उन पैराडाइम के जितने भी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में 5 पॉइंट्स पढ़े थे उनके ऊपर पूरी तरह से बैठती हो। इंक्वायरी इज आइदर वैल्यू रेजोनेंट। अब इंक्वायरी जो है वो वैल्यू रेजोनेंट होगी, यानी कि वो रीइंफोर्स कर रही होगी किसी चीज को, रीइंफोर्स करेगी उसको चेंज लाने के लिए, और वैल्यू डिसएजोनेंट कंफ्लिक्ट पैदा की, या तो वो कंफ्लिक्ट रिजॉल्व कर रही होगी या वो कंफ्लिक्ट पैदा कर रही होगी। प्रॉब्लम इवेल्युएटेड और पॉलिसी ऑप्शन पैराडाइम थ्योरी एंड कॉन्टेक्स्ट मस्ट एग्जिबिट कॉन्ग्रेंस। अब क्या है, ये सारी चीजों को आपको है एक साथ एक चीज पॉइंट पे आनी चाहिए। ये नहीं कि आपके पैराडाइम का फर्स्ट पॉइंट जो है वो नेचुरलिस्टिक से बिलोंग कर रहा हो कि जी वैल्यू जो है वो फ्री विल पे होती है, ठीक है, और जो सेकंड है वो उसमें जो आ जाए वैल्यूज बाउंड आ जाए, ठीक है, एक पॉजिटिव एक नेचुरलिस्टिक, इस तरह से नहीं होगा। आप अगर एक चीज को लेने हैं तो पॉजिटिविस्टिक पैराडाइम के थ्रू आप चल रहे हैं, तो आपको थ्रू आउट पॉजिटिविस्टिक पैराडाइम के ऊपर चलना पड़ेगा, राइट।
अब आई होप सो कि आपको रिसर्च की बेसिक क्लियर हो गई है। इसके बाद हम लोग जो इसी को फुल तरह से स्टडी करेंगे, 14 इसके कैरेक्टरिस्टिक हैं, 5-5 हम करके करेंगे और लास्ट वाले 4। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मैं आप लोगों को एक रिसर्च का फुल प्रोसीजर समझाऊंगी कि रिसर्च करते कैसे हैं। वो BS के लोग भी कर सकते हैं, MS के लोग भी कर सकते हैं और PhD के लोग भी कर सकते हैं। PhD के लिए थोड़ा सा हम नेक्स्ट सेशन रख लेंगे, इसलिए आज आप यहाँ तक रहें। इसके अलावा आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज़।